हाय फ्रेंड, मैं जिया। आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल में एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को सूजी की बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी, जो कि झटपट में रेडी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी। आप उसे स्टोर करके भी एक लंबे समय तक रख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको सूजी चाहिए, जो कि हमने 250 ग्राम लिया है और उसे छन्नी की मदद से छान लिए हैं। अब इसे चलते हैं कौरने के लिए। कढ़ाई में थोड़ा इसको भून लेंगे सुनहरा होने तक। तो हमने यहाँ पर लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल करने से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप भी करिएगा। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे करछी की मदद से धीरे धीरे ऐसे ही कौरेंगे और इसे धीमी आँच पर आपको कौरना है लगभग 5 से 6 मिनट तक। लगभग 4 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं सूजी का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, जो कि हम इसे एकदम धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून रहे थे। आपको याद रहे इसे कलछी से लगातार हिला हिलाकर इसे भूनना है हमको। यहीं पर थोड़ी आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और सूजी अच्छे से अगर भून गया तो इसकी जो बर्फ़ी बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी, जो कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। सूजी तो अच्छी तरह का से भुन गया है, अब चलते हैं इसका सीढ़ा तैयार कर लेते हैं। बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने सूजी भुने थे। तो तड़के के लिए यहाँ पर सबसे पहले 1/2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, जो कि देसी है। याद रहे आप लोग भी देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, जो कि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहीं पर 2 हरी इलायची जो कि कुटी हुई है इसे डाल देंगे। तो इलायची अच्छे से सुनहरा हो गया है। अब यहीं पर 1/2 गिलास पानी डाल देंगे सीढ़े के लिए। पानी थोड़ा गुनगुना हो गया है। अब यहीं पर सीढ़े के लिए शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद इसे करछी की मदद से धीरे धीरे तक चलाना है, जब तक कि शक्कर अच्छी तरह से पानी में घुल ना जाए। यकीन मानिए, आप लोग इस तरह से एक बार सीढ़ा बनाकर देखेंगे तो आपकी जो बर्फ़ी बनेगी बेहद टेस्टी और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होगा। तो मेरा सीढ़ा बन के रेडी हो चुका है, जो कि एक तार का हमें बनाना है। अब इसे चलते हैं चेक कर लेते हैं कि एक तार का सीढ़ा बना है या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप सब लोग को हम एक आसान सा तरीका बताएंगे। इसे आप लोग 2 उंगलियों के बीच में रखेंगे और इसे उंगलियों से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो कि तार सा बन रहा है। तो समझ जाइए मेरा सीढ़ा बन के रेडी हो चुका है। अब यहीं पर सीढ़े में भुनी हुई सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और उसे करछी की मदद से हिलाते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। याद रहे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और आपको इस समय हाथ अपना जल्दी चलाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने सूजी को सीढ़े में मैश कर दिया है। बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन का इस्तेमाल किया है और जो कि देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर दिए हैं। याद रहे बर्तन को पहले ही ग्रीस करके रख लेना है, वरना ये जो डो है अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। तो आप इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब यहीं पर हम कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बादाम है और काजू है। आप चाहें जो भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हाथों से चिपका देंगे। तो आपको कुछ इस तरह से सूजी को अच्छी तरह से फैला लेना है और उस पर ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से चिपका देना है। अब इसे 5 से 6 मिनट तक ठंडा होने तक छोड़ देंगे। आप चाहें तो फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी मेरा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब चलते हैं इसे बर्फ़ी का शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया है और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में हम किस तरह इसे कट कर रहे हैं। तो फाइनली मेरा बर्फ़ी बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इस तरह एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, जो बच्चों को, बूढ़े को और घर में सभी लोगों को बेहद पसंद आने वाला है।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।